इन तीन, हमने जो तीन सीटों का फैसला लिया है ये बहुत एनालिसिस करने के बाद लिया है। हम तो 11 सीटों में और दूसरी सीट भी मांग सकते थे या दूसरी सीट में भी हम कैंडिडेट घोषित कर सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ इन तीन सीटों पे किया है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि इन तीन सीटों की जो ग्राउंड की स्थिति है उसमें हम मजबूत हैं, हमारी सांगठनिक स्थिति है उसमें हम मजबूत हैं, इसलिए हम इन तीन सीटों पे हमने अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं। और हमारा जो ये डिसीजन है ये डिसीजन यही चलने वाला है, और हम ये सेंस नहीं होगा, इन मतलब तीनों सीटों में हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे, सेंस नहीं होगा, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। डिसीजन सेंस नहीं होगा। नहीं, क्यों चेंज होगा? जब हमने घोषित कर दिया तो फिर चेंज होने का कोई सवाल ही नहीं है। हमने भूपेन बोरा जी को विरोधी ऐक्य मंच को पत्र लिखकर कहा है कि हम इन तीन सीटों पे उन सभी लोग दलों का सहयोग चाहते हैं। सभी दलों के मुरब्बी को हमने पत्र लिखा है कि इन तीन सीटों पे हम सभी का सहयोग चाहते हैं, 11 सीटों पे हमारा पूरा समर्थन और पूरी सहयोगिता विरोधी ऐक्य मंच के सभी दलों के साथ है, सभी साथियों के साथ है। हमें बीजेपी को हराना है। बीजेपी को हराने का मूल कारण है कि इस देश के गणतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए बीजेपी खतरा है। इस देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके, मिसयूज करके ओपोजिशन विहीन देश बनाने की कोशिश हो रही है। सारे विरोधियों को खत्म करने की साजिशें हो रही है। इस वजह से बीजेपी को हराना बहुत जरूरी है। सिद्धांत सलनी हर को उपाय ना आम आग गल प्रश्न ना प्रश्न ना सिद्धांत सलनी ना যদি সিদ্ধান্ত সলনি নহয়, যদি ইন্ডিয়া এলায়েন্স ভাগি যায় তেতিয়া? ইন্ডিয়া এলায়েন্স ভাগিলে তো আমি আমাৰ সিটত কাম কৰা আৰম্ভ কৰি দিছোঁ অলৰেডি। এতিয়া আমাক ৰাইজে বিচাৰিছে, আমি ৰাইজৰ বাবেহে থিয় হৈছোঁ। ইন তিন হমনে জো তিন সিটৰ কা ফেছলা লিয়া হে ইয়ে বহুত এনালাইসিস কৰনে কে বাদ লিয়া হে। हम तो 11 सीटों में और दूसरी सीट भी मांग सकते थे या दूसरी सीट में भी हम कैंडिडेट घोषित कर सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ इन तीन सीटों पे किया है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि इन तीन सीटों की जो ग्राउंड की स्थिति है उसमें हम मजबूत हैं, हमारी सांगठनिक स्थिति है उसमें हम मजबूत हैं, इसलिए हम इन तीन सीटों पे हमने अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं। और हमारा जो ये डिसीजन है ये डिसीजन यही चलने वाला है, और हम ये इन तीनों सीटों में हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। सेंस नहीं होगा। पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। डिसीजन सेंस नहीं होगा। नहीं, क्यों चेंज होगा? जब हमने घोषित कर दिया तो फिर चेंज होने का कोई सवाल ही नहीं है। हमने भूपेन बोरा जी को विरोधी ऐक्य मंच को पत्र लिखकर कहा है कि हम इन तीन सीटों पे उन सभी लोग दलों का सहयोग चाहते हैं। सभी दलों के मुरब्बी को हमने पत्र लिखा है कि इन तीन सीटों पे हम सभी का सहयोग चाहते हैं, 11 सीटों पे हमारा पूरा समर्थन और पूरी सहयोगिता विरोधी ऐक्य मंच के सभी दलों के साथ है, सभी साथियों के साथ है। हमें बीजेपी को हराना है। बीजेपी को हराने का मूल कारण है कि इस देश के गणतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए बीजेपी खतरा है। इस देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके, मिसयूज करके ओपोजिशन विहीन देश बनाने की कोशिश हो रही है। सारे विरोधियों को खत्म करने की साजिशें हो रही है। इस वजह से बीजेपी को हराना बहुत जरूरी है। सिद्धांत सलनी हर को उपाय ना आग गल प्रश्न ना प्रश्न ना सिद्धांत सलनी ना যদি সিদ্ধান্ত সলনি নহয়, যদি ইন্ডিয়া এলায়েন্স ভাগি যায় তেতিয়া? ইন্ডিয়া এলায়েন্স ভাগিলে তো আমি আমাৰ সিটত কাম কৰা আৰম্ভ কৰি দিছোঁ অলৰেডি। এতিয়া আমাক ৰাইজে বিচাৰিছে, আমি ৰাইজৰ বাবেহে থিয় হৈছোঁ।